गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास वन में स्वागत है। आज हम आपके हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं स्वरों के बारे में, तो पहले मैं बोलूँगी, फिर आप मेरी बातों को दोहराइएगा। अ से शुरू करते हैं। चलिए, अ आ हर्षी, इसे हम छोटी भी कहते हैं। दीर्घी, इसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। हर्सू, इसे हम छोटा ओ भी कहते हैं। दीर्घऊ, इसे हम बड़ा ओ भी कहते हैं। री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। हमने स्वर पढ़ा, अब व्यंजन की बारी आती है। अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मैं बोलूँगी, फिर मेरे बाद आप बोलिएगा। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। तलाबे श, मूर्धन्य श, दंति श। ह, और उसके बाद बच्चों संयुक्त अक्षर आता है, उसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों आप सभी को स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त अक्षर मैंने बता दिया है। अब हम चलेंगे बिना मात्रा वाले शब्द पे, ठीक है। बिना मात्रा वाले शब्द जो हैं वो दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, तीन वर्णों से मिलकर बनते हैं और कभी कभी चार वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दो वर्णों के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। जल, जल। फल, फल। नथ, नथ। तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे अब हम लोग। सड़क, सड़क। नमक, नमक। वजन, वजन। अब हम कुछ और दो वर्णों वाले, तीन वर्णों वाले और चार वर्णों वाले शब्द एक साथ पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ दोहराइए। टब, टब। पर, पर। मन, मन। अड़, अड़। डर, डर। थन, कल। रस, नट। लट, फट, हट। महल, मटर। इधर, उधर। फसल, झलक। तरकश, चमचम। शरबत, कसरत। पनघट, मलमल। अब हमारी यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, तो हम उसे पढ़ेंगे। आप भी कोशिश करिए इसे साथ साथ पढ़ने की। जय, चल कर जल भर। इधर उधर मत उचक। चमचम, चक। वजन, वचन पर रह। समझ कर सबक पढ़। बरगद पर मत लटक। कसरत कर, सरल रह। सब घर जगमग कर। अब हमने बिना मात्रा के वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ना सीखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप फिर से इसे शुरू से देखें और कोशिश करें इन्हें खुद से पढ़ने की। और इसके बाद हमारे पास कुछ अभ्यास दिए हुए हैं जिन्हें चित्र देखकर उनके नाम पूरे करने हैं। वो आप लोगों को खुद से कोशिश करना है बनाने का। तब तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।